इंग्लिश कर, हिंदी डाल दूँ मैं, हिंदी हिंदी किधर रखूंगा मैं, कहाँ रखूंगा? तत्पश्चात निश्चलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव विष्णु के चरण कमलों में मेरा यथाजथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज सुंदर पवित्र दिवस है। आज महाप्रीति जनती विशेष करके श्रीवास पंडित जी आज तिरुभाग तिथि मना रहे हैं। वैष्णवेर गुणगान कोहली जेहे विक्रांत, वैष्णव की गुणगान करने से जीव माया से जो है सुरक्षित है। विशेष करके श्रीवास पंडित महाप्रभु के कैसे अंतरंग जन, यह श्रीवास पंडित के बारे में श्री वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में आदिलीला द्वितीय खंड में वर्णन किया। सही नवद्वीप वैसे श्रीवास पंडित जहार मंदिरे होइला चैतन्य विलास, सर्वकाल चरि भाई गाय कृष्ण नाम, काल करे कृष्ण पूजा गंगा स्नान। श्रीमान महाप्रभु की गौर अवतार के व्यास रूपी श्रीमान वृंदावन दास ठाकुर श्रीवास पंडित की महिमा वर्णन कर रहे हैं। श्रीवास ठाकुर भी पूर्व बंगाल में श्रीहट्ट में रहते थे, चार भाई थे। श्रीवास ठाकुर, रामाई पंडित, श्रीपति और श्रीनदी। फिर ये लोग श्रीहट्ट के छोड़कर के नवद्वीप में आकर के गंगा के तट पर निवास करने रहने लगे और चार भाई सदा सर्वदा भगवत नाम जप करते थे। और उसी समय अद्वैत आचार्य भी आकर के निवास करने लगे। अद्वैत आचार्य की पता चला कि चैतन्य महाप्रभु यानी श्री कृष्ण गौरांग के रूप में नवद्वीप में मायापुर में प्रकट होंगे। महाप्रभु के आविर्भाव की विशेष कारण कहा जाता है अद्वैत आचार्य की आह्वान, कलिंग ऑफ अद्वैत आचार्य। क्योंकि जब अद्वैत आचार्य नवद्वीप धाम में पधारे, अद्वैत आचार्य ने देखा ब्राह्मण लोग ब्राह्मण धर्म पालन नहीं करते, मतलब मदिरा आदि पान करते हैं और अनेक प्रकार जो है कुकर्म आदि करते हैं, देव देवी के पूजा आदि करते हैं, काली आदि देवियों की पूजा करते हैं। पंडित लोग शास्त्र की व्याख्या नहीं करते थे, व्याख्या नहीं करते थे, केवल शास्त्र लेकर के बैठ जाते थे, बस उसमें केवल तर्क ही छेड़ जाते थे। कुछ जिस तर्क कोई कारण ही नहीं है, विषय वस्तु के छोड़ करके इधर उधर की बात करना शुरू कर देते। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, प्रातः काल में एक व्यक्ति उकारे दातुन कर रहे, दातुन समझ कर है, ब्रश कर रहे है, नीम अथवा आम के पेड़ को डाली को लेकर के एक व्यक्ति कहने लगे, तुम पूर्व दिशा पर क्यों कर रहे,
पूर्व दिशा सूर्य के स्थान, दूसरी व्यक्ति बोले पश्चिम दिशा में करें, बोले पश्चिम दिशा दूसरी देवी के स्थान है। तो एक दूसरे में इसी प्रकार जो है तर्क आदि करने लगे, कोई कारण नहीं है। ब्राह्मण लोग गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं, स्नान करने के समय एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते करते, ग्रामीण वार्तालाप करते करते अपने जनेऊ लेकर के उपवीत लेकर के एक दूसरे के अभिशाप दे देते हैं। कोई भजन साधन की एक बार कृष्ण नाम ग्रहण करें, विष्णु नाम कृष्ण नाम किसके मुख नहीं आता है। अद्वैत आचार्य ऐसे नवद्वीप के देख करके अद्वैत आचार्य बहुत क्रोधित हो गए, गुस्से। अद्वैत आचार्य विचार करने लगे, मैं तो स्वयं महाविष्णु और सदाशिव में अवतार, मैं सृष्टिकर्ता और ध्वंसकर्ता। इसलिए अद्वैत आचार्य विचार करे, मैं ही संसार को ध्वंस कर देता। ऐसे विचार करके अद्वैत आचार्य जब हाथ में जब पानी लेके उठे, इतने समय आकाश बनी हुई, हे अद्वैत आचार्य रोको, क्रोध के शांत करो। तुम्हारे प्रभु नंदनंदन कृष्ण स्वयं ही गौरांग के रूप में नवद्वीप धाम में पधारेंगे और धर्म संस्थापन करेंगे। इसी प्रकार जब पानी हुई, तब अद्वैत आचार्य ने किया कि थोड़ा पानी लिया, गंगा जल और तुलसी लेकर के भगवान के लिए अर्पित किया। तुलसी दौलो मातृना जलस्य चुलके इन बात, थोड़ा सा ही गंगा जल और तुलसी पत्र लेकर के भगवान के अर्पित करे तो भगवान कहते हैं मैं अपने के भी मैं भेज देता हूँ। विकृति आत्मा भक्त वत्सल, भक्त वत्सल भगवान अपने को भेज देते हैं। हो सके भगवान का प्रकट होते थोड़ी बात, किंतु अद्वैत आचार जब कहने लगे आदि होने चाहिए है, तो उस समय स्वयं कृष्ण के रह नहीं सकते। इसलिए महाप्रभु एक दिन अद्वैत आचार्य के बोले अद्वैत सुन, भक्त समाज में बोलने लगे, सुतिया छिनु आमी खीर समुद्र तेरे, मोर निद्रा भई लो नाड़ा रहो हुंकारे। अद्वैत आचार्य के नाड़ा में जो मुझे खिला दी है। इसलिए महाप्रभु कभी कभी भाविष्ट होकर के अद्वैत आचार्य के क्या नाम से पुकारते थे, नाड़ा नाड़ा कर मन जो हिलाए। इसलिए अद्वैत आचार्य की आह्वान से वर्णन श्याम सुंदर कृष्ण अति शीघ्र नवद्वीप धाम में मायापुर में सती देवी के गर्भ में प्रकट हुए हैं, ये समस्त बात वर्णन। तो इसलिए अद्वैत आचार्य इन नवद्वीप धाम में जब रहने लगे और विचार करने लगे सचिनंदन गौरहरि प्रकट होंगे, और अद्वैत आचार्य नित्य प्रत्यह भगवत कथा आदि कीर्तन करते थे और श्रीवास ठाकुर अपने चार भाई चतुष्ट भाव में अद्वैत आचार्य की संकीर्तन में नाम में योगदान करते थे, और फिर जगन्नाथ मिश्र के साथ अत्यंत प्रेम प्रति रहते, विशेष करके श्रीवास ठाकुर के पत्नी मालिनी देवी, ये जगन्नाथ मिश्र के पत्नी सची देवी के साथ अत्यंत जो है प्रेम प्रति रहते, नित्य प्रत्यह सची माँ के पास जाती थी और भगवत कथा आदि श्रवण करते। इसी प्रकार कुछ दिन बीतने के बाद महाप्रभु प्रकट हुए और महाप्रभु जब प्रकट हुए हे जगन्नाथ मिश्र के गृह में श्रीवास पंडित और मालिनी देवी और अद्वैत आचार्य सब बहुत उत्सव भी मनाए, जिसमें से तथा चैतन्य
भागवत में महाप्रभु के आविर्भाव विधि वर्णन कर यहाँ पर भी वर्णन कर रहे ये श्रीवास ठाकुर महाप्रभु के साथ कैसे प्रेम प्रति रखते, जैसे जैसे आज आप लोगों ने श्रवण किया महाप्रभु धीरे धीरे जब बड़े होने लगे कुछ चंचलता प्रकाश करने लगे, लोकवत्त लीला कही वाला मनुष्य के भांति लीला आदि करने लगे, विद्या की औदत्त प्रकाश करने लगे, अहंकार आदि प्रकाश करने लगे, इसके सभी लोग निमाय पंडित कहकर के उनके पुकारने लगे, जिसके नाम सुनते ही बड़े बड़े पंडित लोग भयभीत हो जाते थे, क्योंकि नपो नय महाप्रभु ऐसे प्रकट करते बड़े बड़े पंडित को भी पछाड़ दिए थे। तो एक दिन श्रीवास ठाकुर महाप्रभु ने प्रश्न किया, जैसे आप लोगों ने सुना यहाँ पर चैतन्य भाग में बने, श्रीवास ठाकुर कहने लगे निमाय सुनो पड़े कहने लोगे कृष्ण भक्ति जानी पारे से जी नहीं लतवे विद्या की करे एते के सार्थक एते के सर्वदा व्यर्थ ना कुआइया काल पड़ीला तो ये कृष्ण भज सकाल। श्रीवास ठाकुर निमाय की उपदेश देने लगे, जो स्वयं भगवान सब जीवों के कृपा करके गीता उपदेश दिया, और वही उपदेश कौन दे रहे हैं? श्रीवास ठाकुर। इसी भी कहा जाता है नरवत लीला, मनुष्य के भांति लीला है, स्नेह प्रति जिससे श्रीवास ठाकुर निमाय पंडित के कहने लगे विद्या के फल क्या है, जैसे विद्यार फल जन्य निश्चय यदि कृष्ण चित्त वृत्ति रहे, विद्या के फल क्या है साबुद्धा तन मतीरी गया विद्या भगवतावधि, विद्या के फल क्या है भगवान में हमारी मती रहे। पड़िया सुनिया लोके गल छारे खरे कृष्ण महोत्सव बंची लताहारी चेतना भागवत रे पढ़ा लिखा पढ़ा सीख करके यदि कृष्ण भजन नहीं किया तो सब व्यर्थ पड़िया सुनिया लोके गल छारे खरे। विद्या के फल क्या है कृष्ण भक्ति, कृष्ण भगवत नाम करें। इसलिए यहाँ पर श्रीवास ठाकुर जी भी कह रहे हैं एत सर्वदा व्यर्थ ना कुआई अकाल पड़ा तो एवे कृष्ण भज सकाल। हे निमाय ये सब विद्या की उद्धत छोड़ करके पति सत्तर कृष्ण भजन करो, जो कथा चैतन्य महाप्रभु केशव काश्मीर को पराजित करके उनको भी कहा था आधा बोले तो पछाड़ी अभी पूरा सकल जंजाल हे ब्राह्मण केशव काश्मीर के कहने ब्राह्मण ये सब छोड़ करके क्या करो कृष्ण भजन करो, जीवन की तात्पर्य क्या है कृष्ण भक्ति कृष्ण भजन, विद्या बल धन ऐश्वर्य मृत्यु के पास हमारे साथ नहीं जा रहा है, शरीर परिवर्तन होने के साथ ही साथ सब कुछ छूट जाता है, छूट जाते कहाँ चले जाते मृत्यु के बाद कौन कहाँ चले जाते कौन पता है, संसार की बात है। ठीक उसी प्रकार श्रीवास ठाकुर महाप्रभु के जो है इसी प्रकार उपदेश देते, अनंतर श्रीमान महाप्रभु विद्या के विलास को त्याग देकर के गया में गए, और गया में जाकर के ईश्वर कृपा से दीक्षा ग्रहण किया, प्रभु कहे गया यात्रा सफल अमान जतखन देखिला चरण तुम्हार। महाप्रभु गया में जाकर के अपने पिताजी के साध के लिए गए और वहीं पर विष्णु के चरण चिन्ह देखा, विष्णु पाद पद्म चिन्ह के दर्शन करके महाप्रभु भाव में डूब गए,
महाप्रभु उसी समय ईश्वरपुरी पाद को दर्शन करके और उनके चरण में अपने को समर्पित किया। प्रभु कहे व्यादत्रा सफल अमार जतक्षण देखिला चरण उतमा। तीर्थ पिंडी दिले, तीर्थ में जाकर के कोई पितृ श्राद्ध आदि पिंडदान नहीं करे, जिसके लिए दौड़े वही केवल मुक्त हो जाते, किंतु महापुरुष के चरण दर्शन से ही सब कुछ प्राप्ति हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु भाव में विवाहित होकर के ईश्वर परिवार के चरण में रोते रहे, अपने को समर्पित किया है। और स्वयं महाप्रभु ईश्वर परिवार के बोले ये देह समर्पिनु तुम्हारे चरण है। महाप्रभु ईश्वर परिवार के चरण में अपने को समर्पित किया। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु गया से लौटे, लौटने के बाद चैतन्य महाप्रभु क्या हो गया, पहले थे पंडित निमाय, निमाय पंडित थे, अभी क्या हो गया भावुक निमाय है। गया हुई थे अशिया निमाय चलाय विपरीत। चैतन्य भागवत में लिखते हैं गया से लौटने के बाद चैतन्य महाप्रभु दूसरी दूसरी बात बोलने लगे, क्योंकि भाव में विवाहित हो जाते। कभी कभी कृष्ण नाम जप नहीं करते थे, क्या नाम जप करते थे, गोपी गोपी नाम जप करते थे। पंडित लोग, ब्राह्मण पंडित लोग आ कहने लगे कौन सा शास्त्र में गोपी नाम जप करने के लिए कहा, शास्त्र में कहा गया क्या नाम जप करो, कृष्ण नाम जप करो। देखो महाप्रभु के भाव नहीं समझ करके पंडित है दूसरी अर्थ करने, महाप्रभु क्या कहेंगे, महाप्रभु गोपी राधा जी के भाव में विवाहित है, इसलिए महाप्रभु कहने लगे तुम कृष्ण के नाम लेते, कृष्ण छल कपट है। मधुकोटिक बंधु मां विश्राम जी इसी प्रकार महाप्रभु भाव में विवाहित, किंतु महाप्रभु के भाव समझ नहीं पाए। और महाप्रभु ने क्या कि वो पंडित को जो है लट्ठी लेकर के मारने के लिए पाए, वो पंडित भाग गए और पंडित जाकर के सब जगह को कहा दिया ये निमाय है कैसे उद्धत हो गया है, इतने पंडित हो गया उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया है। हम अच्छी उपदेश दिया और अपने कहते के नहीं है गोपी नाम जप कर, कौन सा सत्य में गोपी नाम जप कर, और मैंने कहा तो मुझे मारने के लिए प्रयास है। तब उस समय पंडित लोग महाप्रभु की मारने के लिए भी प्लान बनाया। उस समय महाप्रभु जब बाद में महाप्रभु जब पता चला महाप्रभु कहने लगे क्या बोले, अनियाची पिप्पल खंड कोष कफ निवारित उलटिया और बड़े नापारे कफ निवारित। तात्पर्य क्या है, ये सब जीवों के उद्धार करने के लिए मैं गोलोक वृंदावन से मैं आया हूं, कृष्ण नाम देकर के सब जीवों को उद्धार करने के लिए, किंतु देखो ये ब्राह्मण पंडित मेरे भाव को नहीं समझ है, कहां मैं विप्रलंब भाव में विरह भाव में है राधा जी के विरह भाव में मैं गोपी गोपी नाम जप और मुझे मारने के लिए प्रयास कर है, ये सब अपराधी है, ऐसे अपराधी को कैसे मैं कृपा करूं है। ये भी महाप्रभु के सन्यास लेने की एक गुण तात्पर्य भी बताया गया। तब उस समय से चैतन्य महाप्रभु श्रीवास जी के गृह में सदा सर्वदा नाम जप करते, परिणाम करते थे है। जैसे आप लोग ने श्रवण किया महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के गृह में कैसे नाम करते थे, दरवाजा बंद करके किसी के सुनाई ना पड़े है, नाम संकीर्तन के भाव में आविष्ट होकर के चैतन्य महाप्रभु भक्त के साथ नाम संकीर्तन करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कभी कभी महाप्रभु कीर्तन करे हरिहराय नम कृष्ण जादवाय नम जादवाय माधवाय केशवाय नम गोपाल।
गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय नमः जादवाय माधवाय केशवाय नमः। महाप्रभु विशेष करके एकादशी के दिन अहर निशी माने दिवारात्र 24 घंटा महाप्रभु नित्य करते थे है? उसमें नाम सत्य तो वर्णन है ना, अहर निशी गाय कृष्ण है, सभी भक्त लोग ऐसे भाव में नित्य करते थे। यहाँ तक भी महाप्रभु के गले के माला जो है भक्त के चरण में जाकर के गिर जाते हैं, सभी भक्त लोग भाव में अभिष्ट होकर के नाम संकीर्तन करते थे श्रीवास ठाकुर के लिए। एक दिन एक ब्राह्मण आकर के और वो दरवाजा खटखटाया, श्रीवास जी के ठाकुर जी दरवाजा खटखटाया, क्योंकि उस समय चैतन्य महाप्रभु और सभी भक्त लोग भाव में डूबे हुए थे, शब्द सुनाई नहीं पड़ा। तब वो ब्राह्मण ने अभिशाप दे दिया। क्या अभिशाप दिया? निमाय कुमार, तुम्हारा क्या हो, संसार दशा नष्ट, मैं तुम सन्नाश है। अच्छा एक अभिशाप किसको दे दिया है, किंतु महाप्रभु के जब बाद में पता लगा महाप्रभु प्रसन्न हुए है। ये सर्वत्र जो है भगवत नाम कीर्तन करते है, समस्त जीवों के जो है नाम प्रेम प्रदान करेंगे, ये भी महाप्रभु के सन्यास लेने के कारण पता है। जैसे जैसे अभी एक कथा भी श्रवण किया, मेरे गुरुदेव एक श्लोक बोलते थे, आराधितो यदि हरि तपसाधीन, नाराधितो यदि हरि तपसाधीन, अंतरवही यदि हरि तपसाधीन, नंतरवही यदि हरि तपसाधीन। जो हरि का आराधना करते हैं उसके तपस्या करके फायदा क्या? तपस्या किसको कहा जाता है? तप माने शरीर को कष्ट देने के नाम ही तप कहा जाता है, तपस्या है और कुछ नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, गर्मी के समय चारों तरफ आग जला करके बीच में बैठ जाते हैं, शरीर को ताप देते हैं, ठंडी के समय बर्फ जल में बैठ करके बहुत तपस्या आदि करते हैं, कोई आहार पी के भोजन नहीं करते हैं, उस दिन तक भोजन नहीं करते हैं, पानी पी करके रहते हैं। ऐसे पयोपिहारी बाबा जो दूध पीने वाले है, दूधहारी बाबा जी है, लोग बताते हैं, बहुत लोग कहते हैं हम फलाहारी है, दूधहारी है, मुंह में रहते हैं, मुंह में कपड़ा बांध लेते हैं, जैसे आप लोग बांध लेते हैं ना मास्क बांध लेते हैं, और लिख देते हैं कि स्लेट और पेंसिल लेकर के चलते हैं, मुझे है इतना चाहिए, 1 किलो है मिठाई चाहिए है, ये पला पला हर पत्ती लिखते हैं। अरे भाई ये सब करके फायदा क्या है? इसलिए महाप्रभु कहते हैं आराधितो यदि हरि तपसाधीन, नाराधितो यदि हरि तपसाधीन, अंतर बाहर यदि हरि तपसाधीन, नंतर बाहर यदि हरि तपसाधीन। जिसके अंदर बाहर में हरि नहीं, तपस्या करके कुछ फायदा नहीं, और जिसके सर्वत्र हरि दर्शन होता है उसकी भी तपस्या करके फायदा क्या? तो ये पयोपहारी बाबा महाप्रभु के नाम संकीर्तन की महिमा सुन करके श्रीवास ठाकुर के निकट प्रार्थना करने लगे, ये मैं महाप्रभु के नित्य आदि दर्शन करना चाहता हूं। श्रीवास ठाकुर ने कहे कि अपने गृह में एक कोने में जो है उसके छुपा करके रखा है, और महाप्रभु नित्य प्रत्यह जब नाम संकीर्तन करते हैं, नाम संकीर्तन करने के लिए बैठे चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, आज मेरा नाम संकीर्तन उल्लास नहीं आ रहा, कोई विजातीय व्यक्ति हो गए। देखो इस कथा के सुनते ही श्रीवास ठाकुर महाप्रभु के चरण पकड़ के रोने लगे, प्रभु मैं अपराधी, आपके नाम संकीर्तन में मैं बाधा,
और महापुरुष सर्व अंतर्जान कहते हैं श्रीवास मुझे पता है, जो घर के कोने में छुपे हुए हैं वो पहिहारी बाबा के पुराव, और जब वो दुदाहारी बाबा जब आए महाप्रभु यही प्रश्न कहने लगे, अरे दूध पी करके यदि हरी मिले कितने बछड़ा बछड़ी, क्या दूध पी करके भगवान मिल जाता है, फलमूल खा करके हरी मिले तो कितने बंदर और बंदरन, फलमूल खा करके यदि भगवान मिल जाए कितने बंदर और बंदरन, और क्या बोले और यदि पानी में बार बार स्नान करने से यदि भगवान मिल जाए गंगा के जल में कितने तो मछलियां भगवान मिल जाता है, और विवाह आदि नहीं करके सन्नास आदि लेकर के घूमे तो क्या भगवान मिल जाएगा, बोले कितने खोजा मिलता नहीं। मीरा कहे बिना प्रेम से नहीं मिले नंदन, तात्पर्य क्या, जब तक हम हरि भजन नहीं करे भगवत नाम कीर्तन नहीं करे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, कुछ भी कर नहीं है। इसलिए महाप्रभु उनको ये शिक्षा दी, बहुत सुंदर शिक्षा श्रीवास ठाकुर के गृह में, या तो भी आप लोगों ने श्रवण किया श्रीवास ठाकुर कैसे महाप्रभु के प्रति कैसे अनुराग रखते थे, प्रबल अनुराग रखते थे। महाप्रभु दिवारात्र नाम संकीर्तन करते सोते नहीं है। एक दिन सची माता श्रीवास ठाकुर के आंगन में भक्त के साथ बैठ करके खड़े हैं, मेरे निमाई के क्या हो गया पता नहीं, सोती नहीं है, हो सकता है उनके क्या हो गया वायु रोग हो गया, सिर में वायु चढ़ गया वायु रोग हो गया तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कुछ कुछ जल आदि पान करना पड़ता है कुछ ऐसे ऐसे कर। श्रीवास ठाकुर बैठे हुए थे, श्रीवास ठाकुर कहने लगे सचिमा तुम्हारा निमय के वायु रोग नहीं है, ये हम लोग प्रेम धर्म के प्राप्त किया, जिसके हृदय में ऐसे प्रेम उत्पन्न हो जाता है उसकी तो नींद उड़ जाता है, कहाँ से उपाय है, एवं व्रत सप्र नाम कृपता जतान राग ऋतुत उच्च हसति अथो रोधोति रोधि गाय नुमाद नृत्यति लोकवाच, प्रेम कितना है। किंतु श्रीवास ठाकुर के ऐसे कथा को कोई समझ नहीं पाया, महाप्रभु वहां पर बैठे थे, जब सभी लोग चले गए चैतन्य महाप्रभु कहने लगे श्रीवास आज तुम मेरे प्राण को बचाया, यदि तुम भी कह देते इसके वायु रोग है इसके में प्रेम नहीं है तो मैं क्या करते गंगा में जाकर के छलांग लगा देते, क्योंकि संसार के लोग जिसके अपन लोग है कुछ भी बोले, अथवा जो लोग अत्यंत वात्सल्य प्रेम में डूबे हुए जैसे माँ सची देवी वो तो कहेगी ये हमारे निमाय की कोई वायु हो गया है, वात्सल्य प्रेम की आरूढ़ सची माते, किंतु श्रीवास तुम तो महापंडित हो प्रेम के बारे में तब जान, तुम भी यदि कह देते हाँ निमाय के क्या हो गया वायु हो तो मैं प्राण छोड़ू, इस प्रकार महाप्रभु अनेक बताए। अभी आप लोगों ने श्रवण किया श्रीवास ठाकुर के कैसे महाप्रभु के प्रति प्रगाढ़ अनुराग, नाम संकीर्तन चल रहा था आधी रात में, श्रीवास ठाकुर के छोटा बेटा देहांत हो गया, दूसरी कक्षा में महिलाएं जो है श्रीवास ठाकुर के मृत पुत्र के लेकर के सब रो रहे, और इधर महाप्रभु के नाम संकीर्तन चल रहा था, श्रीवास ठाकुर देख विचार करने लगे ये महिलाएं यदि रोए तो महाप्रभु के नाम संकीर्तन में बाधा, श्रीवास ठाकुर जाकर के महिलाओं के समस्त महिलाओं के अपने
सभियों के कहने, देखो तुम लोग जिद रोकते रहो कि महाप्रभु के नाम संकीर्तन बाधा है, इससे बड़े अपराध कौन हो सकता है नाम संकीर्तन बाधा करना। इसलिए मैं गंगा में जाकर के छलांग लगा दूं। इसी प्रकार श्रीवास ठाकुर समस्त महिलाओं को जो है सांत्वना दी। हे चैतन्य श्रीवास ठाकुर महाप्रभु के नाम संकीर्तन में योगदान किया, कीर्तन होने लगे। कुछ समय के बाद सर्व अंतर्जामी सचिनंदन गौर हरि कहने के, श्रीवास तुम्हारे घर में कुछ ऐसी अनहोनी हुई, अमंगल कुछ हुआ। श्रीवास ठाकुर कहने लगे, प्रभु आप सर्व त्रिलोक के नायक हो, आप जहां पर नाम संग और संग नाम और नामी ही आप स्वरूप है, स्वयं नामी होकर के आप अपने नाम कीर्तन कर रहे। जहां पर ऐसे नाम संकीर्तन हो वहां पर कोई अमंगल हो सकता है प्रभु? असंभव है। जहां पर भगवान के नाम अमंगल कहां से? अरे नाम के द्वारा ही तो सब अमंगल क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, विनाश हो जाता है। ये प्रभु अमंगल को भी संभव नहीं। सर्व अंतर्जामी सचिनंदन गौर हरि कहने लगे, श्रीवास तुम सच बताओ कुछ हुआ था डाल में कुछ बताओ श्रीवास। तब उस समय श्रीवास ठाकुर महाप्रभु के चरण पकड़ करके कहने लगे, प्रभु आज मध्य रात्रि में आधी रात में मेरा छोटा पुत्र जो है ध्यान कर। महाप्रभु रोते रोते कहने लगे, श्रीवास तुम जैसे भक्त न भूत न भविष्य, तुम्हारे ऐसे पुत्र चला गया और तुमने ना मुझे समाचार दिया है ना कुछ बोल, और तुम प्रसन्न चित्त से है नाम कर रहे मेरे साथ। अच्छा इस संसार में कोई संभव है? अभी कुछ अनहोनी हो जाए जैसे सब भग जाएंगे रोते रहते हैं। और देखो श्रीवास ठाकुर महाप्रभु इस भी समाचार भी नहीं दिया। महाप्रभु कह लगे, श्रीवास न भूत न भविष्य, तुम जैसे भक्त हो ऐसे तुम संभव। महाप्रभु स्वयं कहने लगे, चलो जिस कक्ष में तुम्हारा मृत पुत्र है उस कक्ष में जाते। स्वयं महाप्रभु उस कक्ष में गए और महाप्रभु क्या कि उस मृत बालक के बक्षस्थल पर हाथ रखा। अरे बालक तुम सो रहे हो, उठो देखो बालक के प्राण आ गए। महाप्रभु पूछने लगे, क्या हो गया, तुम क्यों चले गए, कहाँ गए? देखो बालक इस संसार को शिक्षा देने के लिए कहने लगे, प्रभु आप तो सब कुछ करने वाले हैं, आपकी इच्छा से जगत जीवों की जो है सृजन होता है, जन्म लेते हैं, आपकी इच्छा से सब शरीर छोड़ देते, तब इच्छा मत जीवे जन्म मरण है। भगवान की इच्छा से सब हम जन्म लेते हैं और मृत्यु स्वीकार करते हैं, है कि नहीं? जितने भी डरो है, जब मृत्यु जो है उसी को ही आप रोक नहीं पाओगे। अच्छा बात सत्य है कि नहीं? महाभारत में इसी को दिखाया गया, जयद्रथ के बचाने के लिए बड़े बड़े महारथी है सब रक्षा करके रहे। जयद्रथ के बाद प्रसंग जो है महाभारत में वर्णन है। और भगवान ने क्या किया है? चक्र के द्वारा सुजन चक्र के द्वारा सूर्यास्त करा दिया और जयद्रथ बहुत प्रसन्न हुए है। ये कृष्ण अर्जुन आज अपने प्रतिज्ञा के अनुसार अग्नि में समाधि ले गए। अर्जुन ने कहा, मेरे पुत्र के हम तारक अभिमन्यु के हत्या करने वाले जयद्रथ के मैं यदि आज सूर्यास्त के पहले नहीं मार दिया तो मैं अग्नि में समाहित हूं।
है। और भगवान भी ऐसी लीला रचा है, सेम भगवान बोले अर्जुन जाओ तुम अग्नि में समाहित हो, तुम्हारे पद्म जो प्रदीप कर रखा, किसी को पता नहीं था, सूर्यास्त हो गए, सब देखा अपने आंखों से सूर्यास्त। अर्जुन जब चलने लगे, भगवान कहने लगे अर्जुन तुम अपनी तो गांधी पे तो साथ में लेकर जाओ है। अर्जुन का कहने लगे गांधी लेकर के क्या करेंगे, अरे साथ में रहे तुम्हारे गांधी क्या काम में आएगी, ले जा। अर्जुन अपने अर्जुन को भी पता नहीं है, अर्जुन ने कहा कि अपने गांडी लेकर के अग्नि में कूदने के लिए गए, कूदने के जाते ठीक उसी समय जयद्रथ सामने आ गए, हा 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 तो बोले आज देखेंगे कैसे अर्जुन अग्नि में समाधि। और अग्नि में कूदने के लिए जाते भगवान कहने गए अर्जुन रोको एक सेकंड के लिए, अर्जुन रोके, अर्जुन जो रुके के देखो ये जयद्रथ तुम्हारे सामने खड़े हैं, यही तुम्हारे पुत्र के अंतार के पद कर। और जयद्रथ भागने लगे हैं। उस समय भगवान ने कह दी सुदर्शन चक्र हटाए, सब लोग कहे नहीं अभी सूर्यास्त, बोले सूर्यास्त हो गया देखो तो सुदर्शन चक्र हटा लिया, देखा तो अभी है अभी दो प्रहर भी रहा है सब। और फिर भगवान जयद्रथ के वध किया, जयद्रथ वध प्रसंग बहुत सुंदर, जयद्रथ के वध करना इतने सहज नहीं था, उनके पिताजी के उसके ऊपर भी बर भी था, उनके सिर यदि माटी में पर मिट्टी में स्पर्श करे जो मरेगा उसकी सिर चकनाचूर हो जाए मर जाएगा। तो भगवान ने कहा अर्जुन इसके सिर काट करके क्या करो, उसके पिताजी के हाथ में जाकर गिरा। और ठीक उसी समय उसके पिताजी जो है जद्र के पिताजी है जल लेकर के अर्पण कर रहे थे और उसके हाथ में जाकर के गिरा दिए है। और वही उसके पिताजी भी चले बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे कहने के तात्पर्य यह है मृत्यु जब जहां पर है तीन चीज याद रखना चाहिए, महाभारत में तीन चीज कही गई, जन्म मृत्यु और विवाह, अभी तुम्हारे हाथ में नहीं है। क्या क्या चीज बताया, जन्म तुम्हारे कहां होगा वो तो भगवान के हाथ में, मृत्यु तुम्हारे कहां होगा वो तो भगवान के हाथ में, तुम्हारे हाथ में नहीं है। बात से सत्य नहीं गई, कोई सस्ते हैं मैं वृंदावन में आकर के सूरी छोड़ो और देखा अनेकों दिन तो 20 साल तो 50 साल तो वृंदावन में रहे और मृत्यु के समय जाकर के दिल्ली में जाकर के ऐसे बहुत उदाहरण है, है? और कोई देखो है? सोचे ही नहीं है, है? आज कई साल पहले है इसी जो रूम में जो है और हमारी ह्यूस्टन के एक माता जी है, है? हाँ एकादशी व्रत किया, द्वादशी के दिन भक्त के सर को अच्छी तरह से दान दक्षिणा दिया और त्रयोदशी के दिन उसी कमरे में रात को शरीर छोड़ दिया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मृत्यु कब को कहे कोई कह नहीं कह सकता, सोचे हम वृंदावन में शरीर छोड़े और कहाँ कोई छोड़े, इसी तरह जन्म मृत्यु और विवाह कहाँ कहाँ विवाह हो गए कौन जानते किसके, इसलिए कहते हैं महाभारत में ऐसी भी कथा आते जन्म मृत्यु विवाह सहदेव कहते हैं ये मुझे पता भी नहीं है, सारा एस्ट्रोलॉजर कुछ भी कह दे किंतु देखो ये भगवान के हाथ में। तो उसी प्रकार ये बालक कहने लगे ये प्रभु आप तो त्रिलोक के अधिपति, आपके इच्छा से ही मेरा जन्म इस गृह में और आपके इच्छा से मेरा मृत्यु, इस गृह में इतने दिन तक रहने के लिए मेरा आपने आदेश दिया था, मुझे रहने के लिए आदेश दिया था, क्योंकि हम लोग शरीर में आए ना कब तक ये शरीर में रहोगे है? वो विधि के विधान सब लिखा हुआ, विधि के विधान जान हानि लाभ सही, सीताराम 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 कहिए जाहे विधि राखे राम राय विधि रही, विधि के विधान जान हानि लाभ सही है। जिंदगी के डोर से हाथ बिना नाच के तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरा सारा,
किया अभी मान जभी मान नहीं पाएगा होगा प्यारी वही जैसे राम जी को खाएगा है। तुलसीदास की सब बहुत सुंदर है ना है, मुख में राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरा साथ है। जिंदगी के डोर से क्या अरे महल में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे, इसके बाद धन्यवाद निर्विवाद राम कहते हैं। देखो जो कुछ भी है भगवान की इच्छा है, तब इच्छा मत जीवे जन्म मरण, तब इच्छा मत जीवे भगवान की इच्छा बिना क्यों नहीं बोलते हैं। आज जो जो कुछ भी चल रहे हैं है? क्या बोले वायरस अच्छा इससे हम जितने भी कुछ करते रहे यह पर भगवान की है, कहीं नहीं कहीं इच्छा है, है? कुछ भी करें जो होने वाला है इसमें कोई रोक नहीं, होन हार के रोक नहीं सके कहीं है। रक्षा करने वाले कौन है? भगवान। उसी प्रकार वो बालक जगत जीव को शिक्षा देने के लिए सारी बात कह रहे हैं, तो उस समय कहने लगे ये तुम इस समय छोड़ करके क्यों जा रही हो। कहने लगे वो बालक कहने लगे प्रभु आप साक्षात नाम प्रभु है और नामी भी है, और आपके नाम कीर्तन कर श्रवण करते करते मेरे शरीर छूट गया, इससे स्वभाव को किसको हो सकता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत काल राम नाम अवतना। जैसे पाली जी है भगवान राम जी के काम, कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों साल तक तपस्या आदि करते रहते हैं, कितने राम नाम जप कर लेते हैं, किंतु मृत्यु के समय कितने सहज नहीं। इसलिए जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत काल राम नाम अवतना है। इसलिए बाली जी भगवान की कहने लगे प्रभु मुझे प्राण नहीं चाहिए, केवल आपके मुखारविंद दर्शन करते हुए आपके नाम ग्रहण करते हुए मेरे ये शरीर छूट जाए। बोलो वृंदावन बिहारी की। इस प्रकार श्रीवास ठाकुर जी के मित्रपुत्र के द्वारा सबकी अनेक शिक्षा दी। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर बहुत वर्णन किया है, शोक तप्त जीवन इस संसार में लोग सुख सुख करते रहते, पुत्र सुख करते हैं, हाय हाय करते रहते। इसी प्रकार श्रीवास ठाकुर की पुत्र ध्यान कर, फिर चैतन्य महाप्रभु उस बालक के भेजे जाओ तुम जहां से आए वहीं पर चले। देखो चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेने के कुछ संकेत दिया, चैतन्य श्रीवास ठाकुर रोने लगे। पहले है प्रभु हम लोग के छोड़ करके आप कैसे चले जाओ। देखो चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के वचन दिया था, ये श्रीवास मैं बताता हूँ सुनो, मैं सदा सर्वदा पांचों स्थान में नित्य रूप में मैं विराजमान रहूंगा है। कौन कौन पांच स्थान है? श्रीवास मंदिर, सचिर मंदिर, माँ सचिदेव के गृह में सदा सर्वदा मैं रहूंगा, अलक्षित रहूंगा है। संन्यास तो लेना है मुझे, किंतु संन्यास लेकर के भी मैं सदा सर्वदा माँ सची देवी के निकट गृह में सदा सचिर मंदिर, और श्रीवास अंगने श्रीवास जी के गृह में सदा सर्वदा मैं रहूंगा। कि श्रीवास जैसे भक्त ना भूत न भई सके। श्रीवास जी महाप्रभु के लीला में तो श्रीवास जी, किंतु राधा गोविंद के लीला में अप्रकट गोलोक वृंदावन नदी लीला में कौन से नारद जी है, बाल ब्रह्मचारी, और ना अभी क्या हो गया गृहस्थ की लीला कर रहे हैं श्रीवास है। इसलिए महाप्रभु कहे श्रीवास तुम्हारी गृह में सदा सर्वदा अलक्षित हो। तीसरी नित्यानंद नर्तने, जब नित्यानंद प्रभु नित्य करेंगे तब साक्षात में प्रकट हो जाए, और अद्वैत अवहन
जब अद्वैत आचार्य मुझे बुलाएंगे जहां पर मैं हूं, मैं तो साक्षात में पता लूंगा। और पंचम स्थान कौन सा है? राघव गृह, राघव चैतन्य पानीहाटी है, क्योंकि राघव है और उनकी पत्नी क्या नाम है, दमयंती है। महाप्रभुपति इतने स्नेह प्रति रखते थे है। जब महाप्रभु संन्यास लेकर के जगन्नाथपुरी गए और देखो ये राघव पंडित और दमयंती महाप्रभु के लिए एक साल के लिए समस्त प्रकार की जो वस्तु लेकर के जाते, भोजन की व्यवस्था करके ले जाते, जिसे कहा जाता है राघवेर झूली कहा जाता है। आठ दस है टोकरी बांध करके ले जाते, माने क्या बोलते हैं इसको, पोटला है। और क्या बोलते, अकेला कैसे ले जाएंगे, इसमें कैसे ले जाते थे, जो क्या बोले, जो ये लेकर के चलते ना, क्या बोलते हैं, जो श्रमिक जो उसको हायर करते हैं ना लोग, क्या बोलते, कुली क्या बोलते हैं, अरे जिसको जो मुठिया जो ले जाते हैं ना, उठा करके वजन को उठा करके दे जाते हैं, पैसा देते हैं आप रेलवे स्टेशन में, कुली बोलते हैं ना। हाँ चलो, कुली बोल, कुली तो बंगला शब्द है, उसके लेकर जा। आठ दस है ऐसे बड़े बड़े जो है झोला भर करके लेकर जाते हैं। महाप्रभु ने इतने प्रेम प्रति रखते, इसलिए महाप्रभु स्वयं कहा इनके ग्रह में रहो प्रेम है। महाप्रभु श्रीवास जी के गृह में है नाम संकीर्तन आदि करते थे है। सन्यास लेने के पहले तक महाप्रभु सदा सर्वदा श्रीवास ठाकुर के गृह में नाम संकीर्तन करते थे है। एक दिन चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के जो है अपने स्वरूप को दर्शन कराया है। तारे पूजी इसका ध्यान जहारे पूजी तारे देखो विद्यमान है। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, एक दिन चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर कहते हैं, श्रीवास तुम किसको ध्यान करते हो है, तुम अपने आँख खोल करके देखो है। ऐसे करके चैतन्य महाप्रभु ने किया कि अपने स्वरूप को दर्शन कराए। विश्वंबर चरण हमारा नमस्कार नव घन वर्ण पीत वसन तहान सचिर नंदन पाए मोर नमस्कार नव गुंजा से पंच भूषण तहार गंगादास पाए मोर नमस्कार वनमाला कोरी दधी उदन तहार जगन्नाथ पुत्र पाए मोर नमस्कार कोटिकोटि चंद्रजिनी सिरूप भदन जहार सिंह वित्र वेलुचिन्न भूषण जहार से तुम्हें तुम्हार चरणे नमस्कार चारिवेदे गाय जरे घोषे नंदर कुमार से तुम्हें तुम्हार चरणे नमस्कार। जब चैतन्य महाप्रभु श्रीवास जी के निकट ऐसे सुंदर स्वरूप को दर्शन कराए, ऐसे दर्शन करके श्रीवास ठाकुर स्तुति आदि करने लगे है। कितने सुंदर सजीर है नवगुंजा सिखी पुंच भूषण जहाँ है, सुंदर मोर पुंछ धारण किए हुए है और हाथ में बंसी लेकर के खड़े हैं है। कोटि चंद्र जिनी रूप वदन जहार सिंह बेत्र बेणु चिन्ह भूषण जहार। वृंदावन दास को इस प्रकार वर्णन करें, महाप्रभु उनके ऐसे सुंदर स्वरूप दर्शन करें है। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के जो है अपने स्वरूप को दर्शन कराए और विशेष करके महाप्रभु संन्यास लेकर के जब चले गए जगन्नाथपुरी, श्रीवास आदि भक्तगण महाप्रभु के साथ मिलने के लिए हर साल जाते
महाप्रभु के दर्शन बिना क्षण का लहन का। इस प्रकार श्रीवास ठाकुर के साथ महाप्रभु के प्रति ऐसे एक अंतरंग संबंध बताए, जिसे कहते हैं वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में वर्णन करें। कोई एक बार श्रीवास ठाकुर के नाम ग्रहण करने से महाप्रभु कहते हैं मैं ऋणी बन जाता हूं। कोई एक बार श्रीवास ठाकुर के नाम ले, बोलो श्रीवास ठाकुर की जय जय श्री राम। आदि श्रीवास ठाकुर की आविर्भाव तिथि है, तिरुवात तिथि, इसलिए श्रीवास ठाकुर की चिंतन हम करते रहे, जिससे श्रीमद् भागवत में वर्णन कृष्ण वर्णन किताब संग पंद्र पादम जब भी संकीर्तन प्रारी जजंत ही सुन। इस कलिजुग में स्वयं कृष्ण ही गौरांग के रूप में प्रकट होंगे, और कैसे होंगे इसके लिए साथ में देंगे कृष्ण वर्णम। वही कृष्ण जो है प्रकट होंगे, अपने नाम जप करेंगे, कृष्ण वर्णद्यम रटति जस इति कृष्ण, अपने नाम जप। और कैसे होंगे कृष्ण वर्ण तिथा अकृष्ण, उनकी वर्ण कैसे होगा, अकृष्ण यानी गौर वर्ण होगा। सांगो पांगो अस्त्र पार्षदम, अपने अंग नित्यानंद और अद्वैत आचार्य यानी बलदेव प्रभु और महाविष्णु ये लोग के आए। और सांग पांग उपांग कौन है, उपांग शब्द के अर्थ क्या, अंग के अंग उपांग कहा जाता है, ये श्रीवास ठाकुर यानी नारद ऋषि भक्तवृंद। और पार्षद कौन है, गदाधर पंडित शक्ति तत्व। और नाम रूपी अस्त्र के लेकर के प्रकट होंगे, इसलिए कलिजुग में लोग उसी की आराधना करेंगे। और किस मंत्र के द्वारा उसकी पूजा होगा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। इस प्रकार वही कृष्ण ही कलिजुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। आज महाप्रभु महाप्रभु के जितने गण हैं सभी को हम प्रणाम करते हैं। वंशा कृत कृपा परितान पावने भो वैष्णवे भो नमो महामंत्र हरे कृष्णा।